कोरोना में मुसलसल कमी आ रही है, तमाम फैसले एनसीओसी में होते हैं। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि सूबाई हुकूमतों को एतमाद में लेकर स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से इकदाम किए। 10 अगस्त से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक परवाजों का आगाज हो जाएगा। महफूज रखा है इस बीमारी से, इस शर से, और बीमारी का एक मुसलसल डिक्लाइन है। एनसीओसी एक अदारे की फॉर्मेशन की गई थी जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैं, आर्मी के लोग भी हैं, पॉलिटिशियंस मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के हवाले से, और वो रेगुलर मिलती है और रेगुलर एक तो मॉनिटरिंग हो रही होती है कि वर्ल्ड ट्रेंड क्या जा रहा है, रीजनल ट्रेंड क्या जा रहा है। मैं तो पूरे वसूख से कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी मीटिंग्स मैंने एनसीसी की भी अटेंड की हैं, एनसीओसी की भी अटेंड की हैं, और लास्ट एंड भी अटेंड की है कि ये जितने भी फैसले हुए हैं ये इत्तफाक के राय से हुए हैं। तो मजमूई तौर पे मैं कह सकता हूँ कि तमाम पार्टीज की पार्टिसिपेशन और उनकी मुशावरत और उनकी इत्तफाक से उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने के बाद फैसले, और अब ये फैसला हुआ है कि 10 तारीख से बहुत सारी चीज़ों पे पाबंदियाँ, जिसमें रेस्टोरेंट्स भी हैं, क्लब्स हैं, जिम्स हैं, सैलून्स हैं, मतलब सारी चीज़ें अखबार में आ चुकी हैं, सारी चीज़ें तफसील के साथ आ चुकी हैं, ट्रांसपोर्ट के हवाले से और रेलवे के हवाले से कि प्री कोविड जो जितनी ट्रेनें चलती थी उतनी ट्रेनें चलेंगी, जितनी बसें चलती थी उतनी बसें चलेंगी, जितने जहाज डोमेस्टिक चलते थे उतने जहाज डोमेस्टिक चलेंगी, जितनी फ्लाइट्स इंटरनेशनली चलती थी इंटरनेशनली चलेंगी, और एसओपीज पे मीटिंग कब होगी